हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सभी जानते हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो कि रिलीज होने वाली है साल 2025 में, और ये हमें एवेंजर्स एंड गेम के 5 साल के बाद देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज होगी मई 2025 में। और ये एवेंजर्स की मूवी जो 5 साल बाद रिलीज होने वाली है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये मूवी कितने बड़े लेवल की होने वाली है। और सबसे बड़ी खास बात ये कि उसी साल एक और मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि एक एवेंजर्स मूवी होने वाली है सीक्रेट वॉर के नाम से। तो ये तो उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। इसके ऑलरेडी डायरेक्टर कन्फर्म हो चुके हैं, जो कि हैं डैनियल, जो कि ऑलरेडी शांग-ची मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। और उनके पास 2 अपकमिंग और प्रोजेक्ट हैं, एक तो वंडर मैन, उसके बाद शांग-ची 2, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट करेंगे एवेंजर कैंग डायनेस्टी। तो यानी कि मार्वल की कितनी एडवांस प्लानिंग चल रही है इस मूवी को लेके। और दोनों मूवी को एक साल में रिलीज़ करने का मतलब है कि इन दोनों मूवीज़ को 3 से 4 साल तो देना ही देना, तभी तो मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। तो अब इस मूवी के राइटर कन्फर्म हो चुके हैं, वो है जेफ लेमनेस, जो कि एंटमैन 3 में पहले ही स्क्रीन राइटिंग कर चुके हैं, और कैंग का कैरेक्टर उन्हीं ने ही एंटमैन मूवी में लिखा है। और दोबारा से वो कैंग डायनेस्टी में इस मूवी को रीराइट कर रहे हैं, और कैंग के कैरेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और डिफरेंट वेरिएंट्स भी लिखने वाले हैं वो। अब यहाँ पे मार्वल ने थोड़ा साइड डिसीजन भी लिया है, क्योंकि कैंग को ऑलरेडी एक विलेन के तौर पे दिखाया जा रहा है एंटमैन 3 में, क्योंकि लोकी में जो वेरिएंट दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा सीधा था, और सीजन 2 में अब उसकी असली औकात पता चलेगी, और एंटमैन 3 में वो प्रॉपर ही बिल्कुल विलेन बन जाएगा, और फाइनली हमें कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा एक असली कैंग द कॉन्करर, एक टाइम ट्रेवल। और जेफ लेमनेस को उन्होंने सही चॉइस करी है राइट करने के लिए। तो गाइस, ये था वो काफ़ी कमाल का अपडेट। अगर आपको और भी अपडेट जानने सुपर फास्ट, तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं।